Morning, Tiwari ma'am. Good afternoon. Sorry, good afternoon. Good afternoon. Badhai ho Agrim Group se. Principal sir, may I have the permission to start the program? Yes, madam, please start. A very good afternoon to one and all. It is said, give it all to God and He will get you through it. Go ahead and close your eyes. Kavita ma'am. Good afternoon everyone and a very warm welcome on the one day special lecture on impact of hormones on human health under the aegis of IQAC and higher education quality upgradation program. I Shraddha Armo, organizing secretary of this lecture, and on behalf of the Department of Zoology, it's my immense pleasure and honor to welcome our eminent speaker, Dr. Payal Mahobia ma'am, Assistant Professor of Sciences, Department of Zoology. I would also like to welcome our patron, respected Principal Sir Dr. R.P. Yadav, Head Department of Geography. I would also like to welcome respected Tiwari ma'am, IQAC Coordinator, Head Department of Sociology. I would also like to welcome respected Dr. Sakshi Shahare ma'am, Head Department of Physics, and Dr. Praneet Swarup sir, Head Department of Economics. I would also like to welcome respected Dr. Naveen sir, Head Department of Zoology and convener of today's lecture. I would also like to welcome Dr. Vishali Gupta ma'am, Dr. Kavita ma'am, Twinkle Solanki ma'am. Now moving ahead, it is correctly said, a dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, it is a specific endorsement by respected Dr. R.P. Yadav sir, who has been a source of inspiration and motivation. And it's my privilege and honor to welcome Dr. R.P. Yadav sir and to say a few words. Sir, please. धन्यवाद मैडम.
आज महाविद्यालय के लिए बहुत हर्ष और गौरव का पल है, जीवन में काम आने वाला। इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इस पर हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पायल महोबिया, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर हमारे बीच जुड़ी हुई है। महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने जीव विज्ञान विभाग की ओर से, मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर पायल महोबिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर देश के कोने कोने से जीव विज्ञान में इंटरेस्ट रखने वाले हमारे विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय परिवार के सभी साथी जुड़े हुए हैं। इस वेबिनार में आप सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को चुना और उस पर व्याख्यान करने का निर्णय लिया। निसंदेह यह विषय प्रत्येक के जीवन में आने वाला है। हम और आप सब इस बात को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, लेकिन इसकी गहराई से अध्ययन और गहराई से जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को, हम सबको होगी, ये बहुत ही व्यक्तिगत जीवन में काम आने वाली बात है। इस मौके पर मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर पायल महोबिया और इस व्याख्यान में उपस्थित जुड़ने वाले अपने सभी सुधीजनों का, विद्वानों का और विद्यार्थियों का, स्टाफ मेंबर्स का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी टीम आयोजन करने वाली है कन्वीनर डॉक्टर नवीन चौरसिया, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम श्रद्धा आर्मो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हमारे अन्य साथी डॉक्टर विपिन मोखलगाय, डॉक्टर इस्मिल बेले तैयार है। आप सबको मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। एक बार पुनः मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर पायल महोबिया, भाग लेने वाले सभी सम्मानीय साथियों का, जितने भी प्रतिभागी हैं सबका मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर पूजा तिवारी मैम, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर एंड हेड ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। तिवारी मैम प्लीज। थैंक यू मैडम, थैंक यू श्रद्धा। शासकीय महाविद्यालय बिछवा के जुलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित इस विशेष व्याख्यान में सर्वप्रथम आप सभी को, समस्त सहभागियों को मेरा सादर अभिवादन स्वीकार हो। मैं आचार्य महोदय का, सर आपके ही संरक्षण में हम लोग इस गठ है और आपका ही प्लानिंग है ये जिस पर हम लोग चल रहे हैं। मैं डॉक्टर नवीन चौरसिया को बधाई देना चाहती हूँ और श्रद्धा आर्मो को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे आज इस व्याख्यान को रखा। मैं टेक्निकल टीम को भी, कविता चहल मैडम, नवीन वर्मा सर को बधाई देती हूँ कि वो हर दम हम लोग के साथ टेक्निकल अपना एक्सपर्ट पन से आ जाते हैं और सहयोग करते हैं। मैं सर की टीम जो नवीन चौरसिया सर ने बनाए हैं, डॉक्टर विपिन मोखलगाय और ट्विंकल मैडम और मनीष पटेल सर को भी बहुत बधाई भी देती हूँ और स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने हमारे एक्शन प्लान को ध्यान में रखकर आज यह सितंबर में ही 30 सितंबर को यह आयोजन कर लिया। इसके लिए आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब विषय पर हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मैडम हमारे समक्ष उपस्थित हो चुकी और हम उनको सुनने के लिए आतुर हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः स्वागत, पुनः धन्यवाद। थैंक यू मैडम। Thank you so much, ma'am. Thank you for your kind words. Now, I would like to request another beauty with brains and who not only teaches us quantum physics, but she also tells us how to apply it. Please welcome Dr. Sahakshi Shahare, ma'am, to please say a few words. Ma'am. Thank you, Shweta. एक्चुअली जब तुमने कहा कि कुछ कहो तो मुझे ऐसा लगा कि कैसे कहें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय तिवारी मैम, हमारे स्पीकर मैम और सभी साथीगण,
पर जब मैंने टॉपिक देखा तो मुझे लगा कि वाकई इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन हेल्थ ह्यूमन हेल्थ में बोलने लायक शायद मेरे पास कुछ ना हो पर सुनने लायक बहुत कुछ है. क्योंकि आजकल जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर एक ब्लड प्रेशर और शुगर के बाद आजकल एक नई चीज बताता है, आप ओबेज इसलिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है. तो प्रोटीन विटामिन आयरन तो सुना हुआ था तो ठीक लगता है कि भाई इसे बढ़ा लिया जाए, इसे घटा लिया जाए, ये खा लिया जाए, वो खा लिया जाए, पर हार्मोन्स के लिए क्या किया जाए ये हमें नहीं पता. तो बहुत ईगरनेस है इस बात की जानने की कि वाकई हार्मोन्स इम्बैलेंस कैसे होते हैं और शायद मैम बैलेंस करने का भी कोई तरीका बताएं. तो हम बहुत आभारी हैं मैम के कि मैम आज इतने अच्छे टॉपिक पर हमें कुछ ज्ञान देने वाली हैं और हम लोग सभी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच साक्षी मैम. नाउ मूविंग अहेड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर कविता मैम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी टू काइंडली इंट्रोड्यूस आवर एमिनेंट स्पीकर. ओवर टू यू मैम. Thank you, Shraddha ma'am. It's an absolute honor for me to introduce a resource person, Dr. Payal Mahobia. She obtained her PhD degree in 2012 from Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, on developmental biology of snails. She has guided PhD students on topics endocrinology and thyroid glands and guided 7 MSc students with their dissertation. She has published several research papers and authored 7 book chapters of international and national repute. She has published 2 books as an editor on toxicants and endocrinology. She has organized 1 national seminar, 1 short-term course, and 1 refresher course. She is a member of several committees, like member of Academic Council of Sagar University, member of School Board, School of Biological Sciences, Sagar University, member of Board of Studies, Department of Zoology, Sagar University and other universities also, member of DPGC, Department of Zoology, Sagar University. At present, ma'am is posted as an Assistant Professor of Zoology in Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar. I invite ma'am for sharing her lecture. Ma'am, please. Thank you, Dr. Kavita ma'am. First of all, very good afternoon, all of you, and namaskar. First of all, I would like thanks to Dr. R.P. Yadav, Principal of Government College Bichhua, Chhindwara, for giving me this opportunity. And I thanks to Dr. Pooja Tiwari, Madam, Coordinator of IQAC. And I would like thanks to Naveen Kumar Chaurasia, Convener of this program, and Ms. Shraddha Armo, Organizing Secretary of this course, for giving me this chance. And I would like to thank technical expert Dr. Naveen Kumar Verma and Dr. Kavita Chahal and entire team of the program. And I want to congratulate to entire team for organizing such a great and nice program. Dr. Naveen Verma, can I start my presentation? Ma'am, please continue. Please continue. Okay, thank you. My slide is visible? Yes, ma'am. And am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, thank you. In today's program, my topic is impact of hormones on human health. Hormones is a very important for our body because it keeps us in balance and healthy. If these hormones are imbalanced, then they have a bad effect on our body. So in today's lecture, I will tell you what is the role of the hormones and what happens due to their deficiency. Firstly, how are hormones imbalanced and what is the reason for it? Many chemicals we release into the environment, such as a pesticide like cypermethrin and a herbicide like atrazine and any other more pesticide like pyrethroids.
They are chemicals having a disruptive hormonal effect. In today's time, the vegetable fruits which we are eating from the market, pesticides and herbicides are abundant in these vegetables and fruits, which are directly affects the hormones as well as our lifestyle, working place in which we live in stress for a long time, which imbalance the hormones of our body. मेनली हम ये फोकस करना चाह रही हूँ मैं कि जो हम मार्केट से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं, जब उनको बड़े बड़े फॉर्म में उगाया जाता है तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स यूज किया जाता है, एंड ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, मीन्स हमारे हार्मोन्स को जो बैलेंस है उसे इम्बैलेंस करते हैं, जिस कारण से बहुत सारे फैक्टर्स हमारे बॉडी में काम करते हैं जो कि अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं. एंड व्हाट इज द हार्मोन्स? हार्मोन्स इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इधर सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द एनिमल्स फॉर रेगुलेटिंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज फॉर मेंटेनिंग द होमोस्टेसिस. हार्मोन सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड इनडायरेक्टली बाय द नर्वस सिस्टम एंड डायरेक्टली इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम. Because the endocrine gland and the nervous system works together to help maintain homeostasis or balance. The hypothalamus is an endocrine gland. It is a part of the brain and it is a collection of specialized cell called is a neurosecretory cells located in the brain. And it is the primary link between the two system, nervous system and endocrine system. अभी तक हम सीधे डायरेक्ट ये जानते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि सबसे पहली ग्लैंड है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है वह भी एक ग्लैंड की तरह कार्य करता है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है. यह एक लिंक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इट प्रोड्यूस केमिकल that either stimulate or suppress hormone secretion of the pituitary gland. जो भी hormones को वह release करे या तो वह stimulate करेगा या वह उसे suppress, that means inhibit करेगा किसको? pituitary gland के secretion को. तो brain is a main important, especially hypothalamus is a important part of our endocrine system. क्योंकि हम कुछ जो भी कुछ चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं या हम फील कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे जा रही है एंड ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है एंड रिएक्ट करके इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी ग्लैंड पे भेज रहा है. पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स कि हम कैसा रिस्पॉन्स हमें बाहर इन्वायरमेंट से मिल रहा है. द क्लासिकल व्यू ऑफ द हार्मोन्स इज दैट दे आर ट्रांसमिटेड टू देयर टारगेट इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द ग्लैंड. जो भी हार्मोन ग्लैंड से सीक्रेट किया जा रहा है उसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिस्चार्ज किया जाएगा एंड देन वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा एंड देन सर्कुलेट होके उसका जो भी टारगेट ऑर्गन होगा उस पे वह अपना रिएक्शन देगा. दिस मोड ऑफ डिस्चार्ज इज कॉल्ड एंडोक्राइन सीक्रेशन. व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारे बॉडी में होने वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि काफी लॉन्ग टर्म चेंजेस है. ये हार्मोन्स के इफेक्ट पर होते के कारण होता है और यह हमारे जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है हमारी डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं लाइक एक्सरसाइज थ्रस्ट थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं एंड कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करें तो उसमें ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है. तो ये ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली एक्टिविटीज में. डेली एक्टिविटीज में और हार्मोन्स का सीक्रेशन कर रहे हैं ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स किसकी बनी हुई है? बहुत सारी सेल्स की बनी हुई होती हैं. हार्मोन्स इज अ केमिकल ट्रांसमीटर एंड इट इज रिलीज इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द ग्लैंड्स एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन और अदर सेल. इट इज अ केमिकल मैसेंजर एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. केमिकल मैसेंजर है जो कि इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का ये काम करता है. कौन? हार्मोन्स. हार्मोन्स
का सिक्रेशन हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से और यह हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, ब्लड स्ट्रीम से यह पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं एंड देन यह जो भी इनके टारगेट ऑर्गन या टिश्यू है वह उस पर अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म एंड वाटर बैलेंस रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी यह रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स फाउंड इन अवर बॉडी, वन इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अदर इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट और ट्यूब्स टू टारगेट ऑर्गन, मतलब मीन्स इट इज अ डक्टेड ग्लैंड। टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड इन बॉडी लाइक लिवर एंड पैनक्रियास एंड अदर इज अ स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड फॉर द स्वेटिंग एंड सीबेसियस ग्लैंड फॉर द हेयर डेवलपमेंट फॉर द हेयर। एंड द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज अ सीक्रेटेड बाइल जूस एंड स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर एंड बाइल जूस रिलीज इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट। लीवर के थ्रू जो भी बाइल जूस का सिक्रेशन हो रहा है डाइजेशन में हेल्प करता है और ये डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में उत्पन्न होता है। जब फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तब बाइल जूस जो भी होगा जिसमें जो भी एंजाइम्स होंगे वो फूड का डाइजेशन वहां करेंगे। तो यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट अपने टारगेट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। पैनक्रियास इट इज ऑल्सो मिक्स ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो कि टू ग्लैंड का कॉम्बिनेशन है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का। एंड एक्सोक्राइन पार्ट का जो हम देखें तो वो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कर रहा है एंड उसको पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट और रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू द डक्ट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर अ डक्टलेस ग्लैंड डायरेक्टली रिलीज द हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी एंड ईच हार्मोन एक्ट ऑन अ सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड इज टारगेट टिश्यू। एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में विदाउट डक्ट अपने सिक्रेशन में हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में डाल रहा है एंड यह डायरेक्ट हमारे चूंकि हम देख रहे हैं हमारी बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो इन ब्लड के थ्रू ये हमारा हार्मोन्स थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट होगा और जो भी उसका टारगेट ऑर्गन होगा हर एक एंडोक्राइन हार्मोन्स का अपना एक टारगेट होगा उस टारगेट पर ही यह अपना काम करेगा, नॉन टारगेटेड सेल पे यह हार्मोन्स काम नहीं करेगा। हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलरेडी आई एम टेल यू व्हाट इज द हार्मोन्स। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम एंड हैव एन इफेक्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यू इनटू द ब्लड, ट्रेवल एवरीवेयर, अफेक्ट ओनली टारगेट सेल, सेल्स विथ रिसेप्टर, मीन्स वही सेल्स को ये टारगेट करेगा जिस पर रिसेप्टर्स होंगे। टारगेटेड सेल होगा, हर एक हार्मोन का अपना एक टारगेट होगा, विदाउट टारगेट या विदाउट रिसेप्टर्स ये उस पर काम नहीं करेगा। कंपोनेंट हार्मोन, देयर आर सम कंपोनेंट्स फॉर द हार्मोन्स, थ्री कंपोनेंट्स इज अ फर्स्ट इज अ रिसेप्टर साइट, सेकंड इज द टारगेट टिश्यू एंड द थर्ड इज अ स्पेसिफिसिटी। अब हार्मोन्स आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि रिसेप्टर है जिसपे हम देख रहे हैं कि एक रिसेप्टर साइट है, उसमें हम तीन हार्मोन्स अलग अलग कलर में देख रहे हैं। अब ये तीनों हार्मोन्स क्या ब्लड में सर्कुलेट किया जा रहा है लेकिन इस रिसेप्टर से केवल एक ही हार्मोन्स बाइंड होगा जो कि उस रिसेप्टर साइट से जिसपे उसके रिसेप्टर साइट होंगे, बाकी ये दोनों हार्मोन के लिए नॉन टारगेटेड सेल होगा, इस हार्मोन के लिए यह टारगेटेड सेल होगा। तो कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल से ग्लाइकोप्रोटीन पर रिसेप्टर साइट्स होंगे हार्मोन्स के लिए, द सेम हार्मोन विल बाइंड टू और टू बी अटैच टू इट सच एज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम। जैसे कि हम देखते हैं पढ़े होंगे आप हम लोग जानते हैं कि एंजाइम की लॉक एंड की हाइपोथेसिस है कि वह एंजाइम उसी जैसे जो ताला है उसी चाबी से खुलेगा, उसी प्रकार से
जिस हार्मोन के लिए उस मॉलिक्यूल्स पर रिसेप्टर साइट होंगे वह हार्मोन उसी रिसेप्टर पर अपना काम करेगा दूसरे नॉन टारगेटेड सेल पर, यह उसका टारगेट सेल होगा जिस पर उसके रिसेप्टर साइट्स होंगे, और जिन पे नहीं होंगे वो उनके लिए नॉन टारगेटेड सेल्स होंगे। तो यह अपने टारगेट पर काम करेगा। एंड देन सेकंड इज अ टारगेट टिश्यू। अब टारगेट टिश्यू क्या हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन होगा या ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिस पे यह स्पेसिफिक हार्मोन्स अपना काम करेगा, तो वो कहलाएगा उसका टारगेट टिश्यू। एंड स्पेसिफिसिटी, हर स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स होंगे हार्मोन पर, वो जो उन पे ही काम करेगा जो कि उनके टारगेटेड ऑर्गन्स होंगे। ईच हार्मोन एक्ट ऑन अ सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड इट्स टारगेटेड टिश्यू। दिस सीक्रेटिंग सेल्स या एंडोक्राइन सेल्स या मे बी सीक्रेटिंग सेल ऑफ द एंडोक्राइन सेल्स सीक्रेट द हार्मोन्स एंड रिलीज इट इन टू द ब्लड स्ट्रीम। कोई भी सीक्रेटिंग सेल आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक सीक्रेटिंग सेल्स है, इन्होंने क्या किया अपना हार्मोन्स को सीक्रेट करके ये ब्लड वेसल्स है ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, जहां पर हम देख रहे हैं पूरी बॉडी में कुछ नॉन टारगेटेड सेल है जिसपे उसके कोई रिसेप्टर नहीं है, कुछ उसके टारगेट सेल है जिनके ऊपर उसके रिसेप्टर्स हैं। तो ये नॉन टारगेटेड सेल पर अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि अपने टारगेटेड सेल जिसपे उसके रिसेप्टर्स है वह उस पर जाकर बाइंड होगा और अपना रिस्पॉन्स देगा। तो हर एक हार्मोन का अपना एक टारगेट होगा जो कि उसके रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स द हार्मोन्स जस्ट लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड फाउंड इन द ब्रेन रीजन, थायराइड एंड पैराथायराइड फाउंड इन द नेक रीजन, थैमस इज फाउंड इन द बिटवीन द लंग्स, एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड इन द टॉप ऑफ द किडनी, एंड पैंक्रियास इज फाउंड इन द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनियम, एंड द ओवरी इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी इन फीमेल, एंड टेस्टिस इज फाउंड इन द स्क्लेरल सैक ऑफ द मेल। ये हमारे इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही हैं। ये हार्मोन्स क्या फंक्शन कर रहे हैं और अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो वो किस तरीके से हम उनको बैलेंस कर सकते हैं या फिर वो किस तरीके का इफेक्ट हमारे बॉडी पर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंसिडर एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन and located at the base of the brain near the pituitary gland. Brain ka hi part hai hypothalamus and it is a very small and play a very crucial role in many important function including releasing hormone, regulating blood temperature, body temperature, maintaining daily physiological cycles, managing of sexual behavior and regulating emotional response. इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है या हार्मोन, इनके जो निकलने वाले रिलीजिंग होने वाले हार्मोन्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं आप, हाइपोथैलेमस सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच आर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो रिलीजिंग हार्मोन्स है वह टर्न ऑन, दैट मीन्स वह एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स इज अ टर्न ऑफ, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लॉट्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड प्लस साइन इंडिकेट द स्टिमुलेशन एंड द माइनस साइन इंडिकेट फॉर द inhibition. Hypothalamic hormone secreted from the neurosecretory cells of the hypothalamus. The hormones are, अब hypothalamus में हम देख रहे हैं आपने के डायग्राम में PRL, PIH, TRH, CRH ये सब hormones है hypothalamus, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन की जो भी secretory cells होंगी वह कहलाएंगी ब्रेन, that means neurosecretory cells. ये cells कुछ hormones का secretion करेंगी जो कि स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। कुछ हार्मोन जैसे कि हम देख रहे हैं CRH, यहाँ नीचे दिख रहा है हाइपोथैलेमस हार्मोन में फर्स्ट CRH,
Fulfam is a corticotropin releasing hormone. This hormone will stimulate the production and secretion of ACTH by the anterior pituitary gland. नाम से ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग दैट मींस कॉर्टिकोट्रोपिन नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए, एसीटीएच हार्मोन्स के लिए सिक्रीशन। ये फोर्थ नंबर पे दिख रहा है, हमने दिख रहा है सीआरएच प्लस साइन, मतलब स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को किसके लिए, एसीटीएच के लिए, और एसीटीएच का टारगेट होता है एड्रिनल ग्लैंड कोविड कॉर्टेक्स रीजन, और देन फिर वो उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होगा वो कॉर्टिसोल होगा, एंड द अदर हार्मोन इज अ टीआरएच। टीआरएच दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये डायग्राम में है, टीआरएच निकाला है मींस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड को रिलीज कराने के लिए हार्मोन, पिट्यूटरी पे इफेक्ट डाला, पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया टीएसएच एंड इसका टारगेट हुआ थायराइड ग्लैंड। इसी प्रकार जीआरएच मींस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये होंगे गोनेट्स के लिए, एंड फिर इसके जीआईएच दैट मींस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन्स को रोकने के लिए जो हार्मोन्स होंगे वो जीआईएच जो कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल से सिक्रेट हो रहा है, एंड द पीआईएच पीआईएफ इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन मतलब प्रोलैक्टिन के जो हार्मोन्स को सिक्रेट करने वाले होते हैं उनको ये इनहिबिट करने का काम होगा। तो ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। द नेक्स्ट ग्लैंड इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इसका साइज साइज ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर एंड लोकेटेड इज बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड एंड सिक्रिट्स हार्मोन डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम। इट इज फाउंड इन द सेलेटर्सिका कैविटी ऑफ द स्पेनाइड बोन एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। It is divided into two parts, anterior and the posterior. Anterior part is called adenohypophysis, and the neuro the posterior part is called as a neurohypophysis. And adenohypophysis is the part of the endocrine gland, but the neurohypophysis is not part of the endocrine gland. Endocrine gland उसे हम कहेंगे जो कि अपना secretion कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है वह तो अपने हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है इसलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर रीजन है वो अपने हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है उनके हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन को अपने अंदर रिस्टोर करता है एंड देन बॉडी को जब इसका रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन तब वो इसको रिलीज करेगा। तो इसलिए यह अपना खुद का सिक्रीशन नहीं बना रहा है, यह सिर्फ अपने अंदर हार्मोन्स को स्टोर करके रख रहा है, इसलिए इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। यह बताएं कि कैसे वो हार्मोन्स हाउ डू हार्मोन्स रिच द ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हार्मोन हमारे ब्लड में कैसे पहुंचेगा। फर्स्टली न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस में है प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग दो तरीके का हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कैपिलरी के थ्रू कहाँ आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे आने के बाद वह उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं किसके लिए, उसके हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। एंटीरियर का पार्ट हुआ ये, एंड देन पोस्टीरियर का जो कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस की वो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन को ही बनाते हैं, एंड देन ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर सीक्रेटेड इनटू द ब्लड वाया कैपिलरी इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये कैपिलरी के थ्रू एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आके इनमें स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट हो रहे हैं लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यह स्टोर हो रहे हैं, ये दोनों में यही फर्क है कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है एंड दिस इज नॉट द एंडोक्राइन पार्ट। अब नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच विद द हाइपोथैलेमस वाया इनफंडिबुलम एंड इट इज फाउंड इन सेलिका टर्सिका कैविटी ऑफ द स्पिनाइड बोन एंड टू पार्ट्स
adeno hypophysis secreted more than 6 hormones. First is a growth hormone. Its target is bone. And the second, ACTH, adrenocorticotropin hormones. Its target organ is adrenal cortex. And the third is a TSH, thyroid stimulating hormone, and its target is thyroid gland. And another is a gonadotropin hormones. Its target in male is testes, in female is a ovary. And the melanocytes stimulating hormones, its target is skin melanocytes. And the prolactin, its target is a mammary gland. And the hormones of the posterior gland is oxytocin and vasopressin. Target of oxytocin is the mammary gland and uterus smooth muscles. And the ADH is a kidney tubules. And the hormones of the anterior pituitary. First hormone is the growth hormone. As a growth hormone का जो target होंगे most of the cells हमारे body की जो भी cells है like somatic cell, muscle cell, osteoblast cell जितने भी body के cells हैं उनका ये growth hormone का target है. Function is stimulate growth of bones, muscles and organ. जैसे जैसे हमारे ये क्या सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन हो रहा है दैट मीन्स हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है और यह इस तरीके से बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. व्हेन देयर इज एन ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन द फॉलोइंग कंडीशन इज जनरेटेड. अगर इनका हार्मोन्स का ओवर सिक्रीशन हो जाए तो ये कंडीशन जनरेट होगी, वो कहलाएगी डिमॉर्फिजम जो कि चाइल्डहुड में होगा एंड एक्रोमेगेलिया एडल्ट में. In this condition, the bones of face, hand and feet become enlarged. हाथों की bones, पैरों की और उंगलियों की जो bones होंगी काफी लंबी हो जाएंगी. Just like gorilla. Gorilla का हम देखते हैं, अगर हम gorilla के हाथ देखें तो वो उसके knees से काफी लंबे होते हैं. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाथ पैर के bones से हैं जो बढ़ जाएंगे. And when the under secretion of growth hormones, the condition is generated is dwarfism. जब इसका अगर कम secretion हो जाएगा कंडीशन कहलाएगी डॉर्फिज्म. इट इज ऑक्योर इन द चाइल्डहुड एंड इसमें जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से उसका रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी. एंड द नेक्स्ट हार्मोन इज टीएसएच, इसका टारगेट है थायराइड ग्लैंड एंड द फंक्शन इज रेगुलेट द थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन. एंड द थायराइड ग्लैंड बिकम एनलार्ज व्हेन द टीएस सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड एंड द थायराइड ग्लैंड बिकम श्रिंक when TS secretion is decreased. अब थायराइड अभी के हम समय में देखें तो थायराइड प्रॉब्लम इज अ मेन प्रॉब्लम इन अ वुमन अबाउट 35 एज के ऊपर जो भी वुमन्स होती हैं या तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म से उनको अफेक्टेड होती है. मैं इसको आगे एक और डिटेल में बताऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ पिट्यूटरी के हार्मोन्स बता रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज अ गोनेडोट्रोपिन. टू हार्मोन्स आर इंक्लूडेड इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. फर्स्ट इज FSH एंड LH. And the target of both hormones are different in male and female. Target of FSH in female is ovary follicles and its function. इसका जो FSH का female में target है वह जो ovaries में जो follicles हैं वह target होंगी. And यह इसका जो function है वह उसके follicles के maturation and जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उससे हम देखते हैं कि फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है. एंड मेल में इनका जो टारगेट है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहां स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन होता है. एंड इसका जो फंक्शन होगा वह स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. ये FSH क्योंकि हम देख रहे हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स मेल एंड फीमेल दोनों में है तो FSH और LH मेल एंड फीमेल में दोनों में होंगे. नाम से तो है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, से फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा लेकिन मेल में इनका फंक्शन थोड़ा अलग होंगे. एंड द सेकंड इज अ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स. इट्स टारगेट इन फीमेल इज अ ओवरीज एंड फंक्शन जब हम देख रहे हैं ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आफ्टर 14 डेज उसमें ओवुलेशन होगा. ओवुलेशन होने के बाद ओवम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है यूट्रस में एंड जहां से वो ओवरी से निकलता है ओवा वहां से ओवरी जो होती है रप्चर मतलब कट फट जाती है तो कुछ वहां पर हम देखते हैं कुछ समय से वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है. एंड देन इट कॉल्ड कार्पस लीपम. इट इज अनस्टेबल एंडोक्राइन ग्लैंड
एंड इट इज सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स. एक अनस्टेबल ग्लैंड है जो चैप्टर 14 में मतलब 14 दिन के बाद ओवुलेशन के बाद बनती है और इससे फीमेल का सेकेंड हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं उसका प्रोडक्शन होता है और यह 28 दिन तक अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है. फिर 28 दिन के बाद फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो फिर से कार्पस लूटियम डिजेनरेट होगा एंड देन ओवा का फॉर्मेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा एंड देन फीमेल एंड देन मेल्स में एलर्जी का जो फंक्शन होगा उसका टारगेट होगा टेस्टिस एंड फंक्शन जो होगा स्पर्म प्रोडक्शन. एंड टेस्टिस में हम देखते हैं कि कुछ लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टीजियल सेल्स होंगी यह मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेंगे तो यह एलएच हार्मोन उन लीडिंग सेल एंड इंटरस्टीजियल सेल को स्टिमुलेट करेगा. किसके लिए स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए. तो फीमेल हार्मोन हो गया फर्स्ट फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है एफएसएच के स्टिमुलेशन से एंड सेकेंड फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है एलएच के स्टिमुलेशन से. एंड द नेक्स्ट इज अ प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन हार्मोन का टारगेट है मेमरी ग्लैंड एंड ओवरीज एंड इसका फंक्शन होगा यह मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. नॉन लैक्टेटिंग पीरियड में हम देखते हैं कि मेमरी ग्लैंड में डेवलपमेंट नहीं होता है जो कि उनकी मेमरी ग्लैंड में मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें ये डिवीजन को प्रमोट करता है जिससे कि सेल डिवीजन होगा मेमरी ग्लैंड में और वो साइज में बढ़ेंगी. एंड द सेकेंड हार्मोन इज द ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. नाम से है कि एड्रेनल के कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है तो उसका टारगेट भी एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन है. एंड देन इसका फंक्शन है यह डिफरेंट टाइप्स के कॉर्टेक्स हार्मोन लाइक मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करेगा. एंड नेक्स्ट इज अ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स टारगेट इज अ मेलानोसाइट सेल ऑफ द स्किन एंड इट्स रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन एंड प्रमोट the deposition of melanin in the skin after the exposure of sunlight. Melanin pigment को ही MSH नाम से है जो हम देख रहे हैं. anterior and जो posterior lobe है pituitary gland के उसके बीच में layer होगा जिसे हम intermediate part कहेंगे. उस intermediate part से MSH का secretion होगा और यह skin pigmentation के लिए responsible रहेगा. and next is a अभी हम आपको बताए हैं कि एड्रेनल पिट्यूटरी एंड देन नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट मींस न्यूरोहाइपोफाइसिस. डायग्राम में ही आप देख रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट मींस हाइपोथैलेमस में टू टाइप्स की सेल है PVN एंड SON. PVN दैट मींस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड द सेकेंड इज SON दैट मींस सुप्रा न्यूक्लियर ऑप्टिक न्यूक्लियाई. इज अ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एंड न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एंड देन अपने सिक्रीशन को यह यहाँ से डायग्राम को देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट में लाकर वो उसको स्टोर कर रहा है. फर्स्ट इज एंटीडायोरेटिक या ADH और वैसोप्रोसिन हार्मोन. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस SON एंड इट्स टारगेट टिश्यू. द कॉमनली नोन टारगेट टिश्यू फॉर वैसोप्रोसिन आर द डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी एंड द वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स एंड इट्स फंक्शन प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द सर्केडियन रिदम. इज द पीरियड ऑफ स्लीपिंगनेस एंड द वेकफुल इन 24 आवर साइकिल. And the vasopressin also help maintain the body internal temperature, blood volume, and the proper flow of the urine from the kidney. ADH hormone is a very important hormone because it is directly affect on the kidney. किडनी के जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं डायरेक्टली इफेक्ट डालता है और डायरेक्टली इफेक्ट डालने के बाद वहां पर वाटर को रीअब्सॉर्ब करा के इसे ब्लड में डालता है. इस यूरिन का जो कंसेंट्रेशन होता है वह उसमें वाटर कंटेंट जो है बहुत कम होता है. किसके कारण? ADH हार्मोन के कारण. तो कहा ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है भी कि जो अल्कोहल लेते हैं जो भी
व्यक्ति उनके उन हार्मोन्स में एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है वो अपना काम करना कम कर देता है, जिससे अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति को यूरिनेशन का प्रॉब्लम कंटिन्यूस बना रहता है. एंड द सेकेंड इज अ ऑक्सीटोसिन, ऑल्सो कॉल्ड इज अ बर्थ हार्मोन दैट सीक्रेटेड फ्रॉम द पीवीएन ऑफ द हाइपोथैलेमस. इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं. एंड यह पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियाई, जो हाइपोथैलेमस का पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियाई है उससे यह सीक्रेट होता है. इस टारगेट टिश्यू इज अ मायो एपिथेलियल सेल ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड यूट्राइन मसल्स. प्रेगनेंसी के दौरान यह मायो एपिथेलियल सेल्स में डिविजन को प्रमोट करता है. एंड यूट्राइन मसल्स, प्रेगनेंसी के समय जो यूट्राइन मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस कारण से प्रेगनेंसी आसानी से हो जाए. एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्स एंड द यूट्रस. एंड फंक्शन, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर एट द टाइम ऑफ पॉस्चुरेशन, डिलीवरी के समय जब लेबर होता है तब इसी कारण होता है जो यूट्राइन मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. And stimulate the uterus to contract during the labor, delivery and posturation. Synthetic version भी इसका अब market में available है. Doctor जिन्हें pain नहीं होता है artificial रूप से उन्हें induce कराते हैं labor के लिए, उसे हम pitocin कहते हैं. And a synthetic version of this hormone used to induce the labor, it is called pitocin. And it is also stimulate the mammary gland to the release for the load. एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ ADH. अगर ADH में कोई प्रकार की एबनॉर्मलिटी या कमी आ जाए तो होता है डायबिटिस इंडिपस. ये बताया एक टर्म में आपको पता पूरी फिजियोलॉजी बताया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन एंड ये डायरेक्ट किडनी ट्यूब्स पर इफेक्ट डाल रहे हैं. किसके लिए? वाटर के रीऑब्जर्वेशन के लिए. लेकिन अगर इनमें हाइपोसिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन कैन रिजल्ट डायबिटिक मेलिटस. अगर इन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो उन व्यक्तियों में डायबिटिस इंडिपस की कंडीशन क्रिएट होती है. इस कंडीशन में क्या यूरिन का फॉर्मेशन लगातार होता है और उस व्यक्ति को यूरिनेशन हमेशा होते रहता है. एंड डायबिटिस इंडिपस जो एक कंडीशन है यह होती है लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी, क्योंकि यह क्या करता है प्रिवेंट, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है और किडनी इनएबिलिटी को के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है. एंड नेक्स्ट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ द ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन के दो मेन हार्मोन है, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि येलो एरो आए हैं, उससे इफेक्ट है. यह यूट्रस के जो स्मूथ मसल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ पॉस्चुरेशन, दैट मीन पॉस्चुरेशन और डिलीवरी. एंड जो मायोपिथियल सेल्स है उसको वह लैक ऑफ ऑक्सीटोसिन इन अ नर्सिंग मदर वुड प्रिवेंट द मिल्क इजेशन रिफ्लेक्स एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट फीडिंग. अगर इनकी कमी हो जाए तो ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा. एंड द नेक्स्ट ग्लैंड इज अ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड बिलो द लैरिंग्स एंड अबव द ट्रैकिया इन द नेक. हमारे जो लैरिंग्स साउंड बॉक्स है और जो ट्रैकिया है उनके बीच में नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. विंड पाइप यानी कि जो जहां से हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू एयर को अंदर बाहर करते हैं वो चारों ओर से उसको कवर करके रखती है. एंड द थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रेट. इसके डोर्सल साइड पर हम देख रहे हैं कि 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है एंड इट सीक्रेट पीटीएच हार्मोन दैट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को मिलके करते हैं. तो जो थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन एंड जो पीटीएच है दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे और कैल्शियम दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे. हिस्टोलॉजिकली हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो थायराइड ग्लैंड कैप्सूल एंड स्ट्रोमा का बना है जिसमें बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स एंड पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड जब थायराइड ग्लैंड मोर एक्टिव होगी तो उनके फॉलिकुलर सेल्स जो होंगे काफी साइज में लार्ज होंगे. एंड अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी तो उनके जो फॉलिकुलर सेल्स है वह रिड्यूस होंगे या स्मॉल साइज होंगे.
एंड फॉलिकल्स के एक सेल को हम फॉलिकुलर सेल कह रहे हैं, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस कारण से यह ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन आयोडाइड को आयोडीन फॉर्म में। जब तक थायराइड का फॉर्मेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वह आयोडीन ना मिल जाए, और इसे आयोडीन मिलता है ब्लड से, और ब्लड में कहाँ से आएगा, फूड के डाइजेशन के जो भी मिनरल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है, एंड देन थायराइड फॉलिकल्स उस आयोडीन को अपटेक कर लेता है। थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय द TSH हार्मोन एंड फॉर द सिक्रीशन फॉर T3, T4 एंड द कैल्सिटोनिन। मोर देन 65% ऑफ आयोडीन इज फाउंड इन द थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन्स होगा उसका 65% से भी ज्यादा उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। एंड द थायराइड हार्मोन्स बने होंगे मेड अप ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड, थायरोग्लोबुलिन एंड आयोडीन के। T3 T4 नाम से ही है कि अगर उसमें तीन आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे T3 कहेंगे, और अगर उसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें T4 कहेंगे। T4 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। 90% पार्ट जो सीक्रेट होता है वो थायरोक्सिन होता है, एंड 9 to 10% पार्ट जो सीक्रेट होता है वो T3 होता है। इसमें पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे, और यह हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड कॉजेस टू टाइप्स ऑफ थायराइड प्रॉब्लम। वन इज अ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड द सेकंड इज अ हाइपोथायरॉयडिज्म। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थायराइड डिसऑर्डर आर वन कॉजेस बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव थायराइड, वेयर द स्मॉल थायराइड ग्लैंड इन द नेक डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। वाइल हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज ड्यू टू द अंडर एक्टिव थायराइड। हाइपर में क्या होगा, ये जो ग्लैंड होगी वो ओवर एक्टिव हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी T3 and T4 का। एंड जो हाइपो सिक्रीशन होगा उसमें अंडर एक्टिव हो जाएगी, कम एक्टिव होगी, और T3 T4 का कम सिक्रीशन करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हाइपर कंडीशन होती है उसमें T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ जाता है, TSH का सिक्रीशन कम हो जाता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल कम होगा और TSH का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म इज आल्सो फार मोर कॉमन देन हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू हाइपर। इट अफेक्ट अबाउट 1 in 20 पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट में हम देखें हर एक 20 में से एक ना एक व्यक्ति इससे अफेक्टेड होता है। Whereas hyperthyroidism is more common in women. Hyper, जबकि जो hyperthyroidism की जो condition होती है वो women's में ज्यादा देखने को मिलती है। And इन दोनों ही condition में बहुत सारे symptoms दिखाई देते हैं, जैसे just like hair loss, fatigue. But people with hyperthyroidism may experience weight loss. Weight loss is the main symptoms of the hyperthyroidism. Missed period. Ma'am, are you there? Not audible. Ma'am, you're not audible. Ma'am, are you there? अभी भी प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो लेफ्ट हो गई है शायद से। मैम, यू नॉट ऑडिबल। मैम, शायद मैम लेफ्ट हो गई है, चेक कर लेते हैं।
We'll wait for ma'am some. Add कर लीजिए फिर से. Ma'am, are you there? Ma'am, are you there? Due to some network issues, ma'am is not there, so we'll wait for her. Joining us soon. Due to some technical issues, she got disconnected. We'll wait for ma'am. हेलो चौधरी साहब, मैडम जुड़ रही हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैडम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैडम ज्वाइन हो रही हैं।
हेलो यस मैम यू आर ऑडिबल पायल मैम नवीन यस मैम यू आर ऑडिबल नाउ यू कैन स्टार्ट या ओके थैंक यू या मैम यू कैन कंटिन्यू ओके ओके visible my slides yes you are visible okay okay yes ma'am tick tick
hyperthyroidism. Hyperthyroidism is also known as a overactive gland of hypothyroidosis. जब बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, इस कंडीशन को हाइपरथायरॉइडिज्म कहेंगे. इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि साइड में दिख रहे हैं. एंड देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म सच एज इंजरी टू थायराइड ग्लैंड, सम मेडिकेशंस, हेरिडिटरी, सीवियर नर्व शॉक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस. एंड some diet should be taken in the hyper condition. This is like antioxidant rich food, anti-inflammatory food, good fat, and some diet that should not be taken in the hyper condition like gluten. It is बहुत अधिक मात्रा गेहूं में होता है, इसे avoid करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा gluten लेने के लिए iodine rich food, trans fat, sugar and high fructose corn syrup. And lots of and then the parathyroid gland, it is found in the neck region and the dorsal side of the thyroid gland, and its hormones is called parathyroid hormone or Collips hormone. Its targets is the bone and kidney, and it regulates the calcium level in the blood. And the next is the adrenal gland. Adrenal gland, also known as the suprarenal gland, it is found in the abdominal cavity and the top of the kidney, and it is produce hormones, help in the regulate the metabolism, blood pressure, and response to stress and other essential function. It is an important component of hypothalamic pituitary suprarenal axis, and that is responsible for coordinating stress response and metabolism. It is a dual gland. It divided into two part: adrenal cortex, cortex and medulla. Inner part is a medulla and outer part is a cortex. And cortex part is directly regulated from the pituitary gland, and medulla part is regulated from the parasympathetic nervous system. And outer part is a cortex, and further cortex divided into three zones: zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. And zona glomerulosa secrete a mineralocorticoid. This example is aldosterone and corticosterone. And the second is a zona fasciculata, and it is a secreted glucocorticoid and corticosterone and esterone. And third zone is a reticularis, and it is secreted androgen. And inner part is a medulla. It is a made up of chromaffin cells, which catecholamines are found in the chromaffin cells, which formed epinephrine and non-epinephrine hormones. It is an emergency hormone, also called emergency hormones. And in this picture, adrenal medulla is directly controlled, regulated by the parasympathetic nervous system, and the cortex region is regulated or controlled by the adrenal, sorry, pituitary gland. Lots of hormones are secreted from the adrenal cortex region, and first is a cortisol. Cortisol is a steroid hormone, and it is regulating the carbohydrate, protein, and fat metabolism, having in anti-inflammatory effects. Hypothalamus secrete the CRH, corticotropin releasing hormones, and stimulate the pituitary for the ACTH, and ACTH is stimulate the adrenal for the cortisol hormones secretion. And corticosterone is also a steroid hormones, influencing potassium and sodium metabolism. And the deficiency of these hormones causes Addison disease, also called as a hypocorticosolism. And its symptoms are darkening area of the skin, severe fatigue, unintentional weight loss, gastrointestinal problems such as the nausea, vomiting, and abdominal pain, and the salt craving, and the muscle or joint pain. But in overproduction of these hormones causes Cushing's disease, and it is also called hypercortisolism, and its symptoms is muscle weakness, loss of emotional control, depression, anxiety, headache, infection, and high blood pressure. Another hormone
इंटरनेट कॉर्पोरेशन रेगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस बाय द प्रमोटिंग सोडियम एंड क्लोराइड रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन बट टू मच ऑफ दिस हार्मोन्स कैन कॉज टू लूज पोटेशियम एंड रिटेन सोडियम दैट इम्बैलेंस कैन कॉज बॉडी टू होल्ड टू मच वाटर इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर and another hormone is the androgen and estrogen it is also secreted from the adrenal cortex and it is promoting the development of secondary sexual characters in the male and female adrenal medulla secreted two important hormones epinephrine and norepinephrine both are emergency hormones and fight and flight hormones epinephrine more commonly known as adrenaline it is a hormone secreted by the medulla of the adrenal gland especially in the stress condition and strong emotions such as fear or anger cause epinephrine to be released into the bloodstream which causes an increase in heart rate muscle strength blood pressure and sugar metabolism and the second is a norepinephrine like norepinephrine it also releases under the stress condition maintain fight and flight responses also used as a drug to trigger a drop in heart rate and phacochromatomas agar hum dekhte hain ki medulla wale part mein tumor ka formation ho jata hai to us condition ko phacochromatomas kehte hain generally वुमेन्स में ज्यादा होता है यानी मोस्टली कॉमन है मैन में एज कम्पेयर टू फीमेल और 40 to 60 एज के बाद ही 40 to 60 एज के बीच में होता है और यदि यंग में होते हैं तो इसको रीजन माना जाता है कि ये हेरिडिटरी होगा इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं एंड द नेक्स्ट ग्लैंड इज द पैनक्रियास पैनक्रियास से भी ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है दोनों ही हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं दोनों ही हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक हार्मोन है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं जिससे कि इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है ग्लूकेगॉन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है एंड जो एक्सेस शुगर होती है वह उससे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देते हैं एंड देन जब बॉडी को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है तब वह ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में उस मात्रा को बढ़ाते हैं तो ग्लूकेगॉन इंसुलिन दो सारे एंटागोनिस्टिक हार्मोन जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं इसके अलावा गोनेट्स हैं जो वह भी इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है यह एक इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है एंड देन सेकेंडरी हम देखते हैं कि हार्मोन्स को भी सिक्रेशन करता है and responsible for the production of the male and female gamete gonad also produces sex hormone and iske jo hormones hote hain wah estrogen progesterone and testosterone hote hain jo kya kis liye aavashyak hain for the growth and development of the primary and secondary reproductive organ and the development of the secondary sexual characters female gonad is a ovary found in the abdominal cavity and female hormone is the estrogen is secreted from the follicles and it's developed the secondary sexual characters in the female and this estrogen are responsible for the growth and maturation of the uterus and vagina and it is important for the breast development widening of the pelvis and greater fat distribution in the hips thighs and the breast and uterus changes during the menstrual cycle increased growth of the body hair and after the 14 days of the menstrual cycle a new unstable endocrine gland is formed called carpus luteum which secretes the second hormones female hormone is a progesterone and the progesterone hormones to prepare the uterus for the conception and regulates the uterus tension during the menstrual cycle increase sexual desire stimulates development of mammary gland for milk production during the pregnancy and the role of the hormones is the progesterone hormones is produce climbing on the brain supports circulatory vigor retain body density assist with the liver and the kidney health And its effect is reduced tenderness and cyst formation in the breast, proven
and inhibit the contraction during the pregnancy in the uterus and protect the vagina from the infection. And other female hormones are androstenedione, activin, and inhibin. It is a very important inhibin hormones because it is inhibit the production of the FSH hormone. And male gonade is androgen. Male gonade is a testis, and androgen hormones that influence the development of male reproductive system, although find in a much higher level in men. Androgen also produced in a woman, and testosterone is the main androgen and secreted from the interstitial cell or leading cell of the testis. And testosterone is a sex hormone and develop of the secondary sexual characters. And it is responsible for increased muscles and bones mass, increased growth of the body hair, development of broad shoulders, deepening of the voice, and growth of the penis. And other endocrine and other male hormones. What happens if the balance got disrupted in glands? If there will be imbalance of hormones in our body, then different types of disorders, disease, and problems will be generated, which I have already explained in the details. With hormones like acromegalia, diabetes insipidus, and hypothyroidism, thyroid cancer, and Cushing syndrome, Addison disease, and hypogonadism. We tend to think of certain times in life, such as puberty, pregnancy, and the transition of the menopause as hormones fueled. But the truth is that our hormones influence the health of our bodies and mind every single day. Hormones play an important role in daily healthy living. Eat, breathe, love. Hormones help you do it all. Neurotransmitters, hormones that help the brain communicate with the rest of the body. And hormones are produced by the gland that make up of endocrine system. To overcome the problem caused due to the deficiency of hormones, endocrinologists help diagnose and treat hormone-related health problem. And in the last, I would like to say that what we should do to live our healthy life. One should life is stress-free. For that, never mix your personal and professional life. Always have a barrier between them. The most important for having the hormonal balance is the balanced diet. The ratio of minerals, vitamins, and biochemicals mix, and also antioxidants, the balance in the hormonal level too. Good for the healthy life. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. That was a wonderful lecture given by you, and very acknowledging lecture on impact of hormones on human health. Thank you so much, ma'am. Now, if you have any questions or queries, you can ask. If you have any questions, anybody? Actually, time बहुत कम लगा मुझे और मैंने explain बहुत कम कर पाई इस समय में. No, no, ma'am, that was a wonderful lecture. नहीं ma'am, explain तो बहुत अच्छा किया आपने. बहुत अच्छे से you have explained it. थोड़ा network का issue भी हुआ. समझ गए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती ma'am. Thank you. Anybody, any questions? Anybody, anyone, any questions you want to ask? Or if you have any questions, you can drop it in the chat box. Now, coming to the end of this lecture, I would like to invite respected Dr. Naveen Chaurasia sir for the word of thanks. Naveen sir, over to you. Thank you, Shraddha. आप सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार एवं गुरुजनों को मेरा प्रणाम. आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, बिल्कुल. यस सर,
ओके सर। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय परम आदरणीय डॉक्टर आरपी यादव सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को संपन्न कराने की अनुमति प्रदान की एवं अपने आशीर्वचनों से हम सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं महाविद्यालय की आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर एवं समाजशास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमने ये ऑनलाइन लेक्चर सफलतापूर्वक संपन्न किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष आदरणीय पी के स्वरूप सर का एवं भौतिक शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साक्षी सहारे मैडम का, जिनका लगातार सहयोग हमें मिलता रहा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे छिंदवाड़ा जिले की पहचान एवं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की सहायक प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर पायल मोहबिया मैडम का, जिन्होंने हम सभी जिलेवासियों को गौरवान्वित किया है। मैडम, आपने इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन ह्यूमन हेल्थ विषय पर विस्तार से प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत किया, जो निश्चित ही हम सभी के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रद्धा आर्मो मैडम का, जिन्होंने इस ऑनलाइन लेक्चर का सफल एवं प्रभावकारी संचालन किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर के टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन कुमार वर्मा सर का एवं डॉक्टर कविता चहल मैडम का, जिनके सफल संचालन से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य डॉक्टर विपिन मोखलगाय सर का, डॉक्टर इस्मिल बेलिया मैडम का एवं ट्विंकल सोलंकी मैडम का, जिन्होंने इस स्पेशल लेक्चर सीरीज को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापक साथियों का, समस्त महाविद्यालय स्टाफ का, अन्य महाविद्यालय से जुड़े सभी सहायक प्राध्यापक साथियों का एवं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का। आप सभी का इस ऑनलाइन व्याख्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, and thank you everybody for joining us and giving us your time. Thank you, Payal Mobia, ma'am. Now, I would like to end this session. Thank you, everyone. Principal sir, may I have the permission to end this session? Yes, madam, please. Sir, अनुमति चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करें सर, बधाई। जी, थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि। थैंक यू।